हेलो गाइस, सो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं कैसे घर पे ही बैक ट्रेन करता हूँ और इसके लिए मैं क्या जुगाड़ किया है मेरे घर पे, यही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। सो चलो देखाता हूँ। तो मैं मेरे घर पे ये दो ट्री के बीच में एक बांस का थोड़ा बड़ा बांस का जो क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये दो ट्री के बीच में टंगा के पुल अप करता हूँ, चिन अप करता हूँ। तो मैं पुल अप का कितना सेट करता हूँ और चिन अप का कितना सेट करता हूँ दिखाता हूँ और क्या क्या वेरिएशन में करता हूँ। चलो, तो सबसे पहले मैं ज़्यादा वार्म अप नहीं करता बैक डे के पहले, और सबसे पहले मैं वाइड ग्रिप पुल अप करता हूँ फेलियर तक, और उसके बाद चिन अप का 3 सेट और फिर क्लोज ग्रिप पुल अप, बस काफ़ी है। तो चलो पहले पुल अप करते हैं। और हाँ, जो लोग पुल अप कर नहीं पाते उनके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ कैसे आप बिगिनर हो तो पुल अप कर सकते हो, अपना फर्स्ट पुल अप अचीव कर सकते हो कैसे, और अच्छे से पुल अप कैसे आप कर सकते हो 10 के ऊपर, ये मैं एक वीडियो पे बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलो करते हैं पुल अप, नेगेटिव करते चलो, मतलब नेगेटिव मतलब फेलियर हिट करने के बाद नेगेटिव। पहले थोड़ा पास ले लेता हूँ। ग्रिप इतना ले लो, वाइड है तो हाँ इतना सा ले लो, हाँ इतना। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Uske baad negative matlab इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हाथों पे बहुत लगता है। इसके बाद सेकेंड सेट और थर्ड सेट, 3 सेट करने के बाद चिन अप। चलो इस बार मैं थंबलेस ग्रिप लूँगा। दो सेट हो गया, इसके बाद आप लोग एक और सेट करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिम करके आया हूँ, मेरा जो वर्कआउट है वो हो चुका है, सो मैं उतना पुश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ लेकिन फटीक हो चुका है मेरे बैग में, मैं जो जिम में जो वर्कआउट किया है उसके लिए। तो इसके बाद आप चिन अप का 3 सेट, मैं चिन अप कैसे करता हूँ मैं दिखाता हूँ, और क्लोज ग्रिप पुल अप कैसे करता हूँ दिखाता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। इस पर आपका बैक, लैट्स और बाइसेप ट्रेन हो जाएगा। तो चलो, सो इसके बाद मैं चिन अप कैसे करता हूँ दिखाता हूँ। चलो
तो चिन अप के लिए मैं एकदम पूरा क्लोज ग्रिप यूज़ करता हूँ और थंब इन थंबलेस नहीं, पूरा इतना तक जाना है आप लोगों को। Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. सो गाइज, मुझसे और नहीं हो रहा है, मेरा जो बैक वर्कआउट था वो कम्प्लीट हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ। और चिन अप का आप लोग 3 सेट करिएगा, और जो वाइड ग्रिप पुल अप था उसका भी 3 सेट करिएगा, और इसका भी 3 सेट, मतलब फुल 9 सेट। और ये जो क्लोज ग्रिप पुल अप है वो तो चिन अप था, ये तो पुल अप, मतलब ए ग्रिप और ए ग्रिप। इस वाला ग्रिप वाइट पे आप देख चुके हैं, फिर क्लोज ग्रिप रिवर्स हैंड, रिवर्स ग्रिप जिसको कहते हैं चिन अप, वो भी हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद ये वाला ग्रिप लेके पुल अप। चलो दिखा देता हूँ, बस काफ़ी है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी है। इतना क्लोज ले लीजिए, ज़्यादा क्लोज नहीं, इतना सा, मतलब शोल्डर वेट, हाँ शोल्डर पे ले लीजिए। बस मुझसे और नहीं हो रहा है। सो इतना वर्कआउट करके ही बिगिनर्स के जो बैक मसल है, जो बाइसेप मसल है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो आप भी ये वाला वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं घर पे, पुल अप बार और ऐसे जुगा लगा के दो पैर के बीच में ऐसा पुल अप बार लगा के आप भी घर पे पुल अप चिन अप ये सब कर सकते हो। सो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ये कुछ नेचर के, मतलब आप लोग तो जिम के अंदर ही ज़्यादातर फिटनेस ब्लॉग्स देख चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मेरे घर पे ये पुल अप बार है ऐसे अच्छे सा एनवायरनमेंट में, मतलब घर के बाहर नेचर पे, तो शायद वीडियो क्वालिटी भी अच्छा आएगा और आप लोगों को देख के भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो करने का प्लान किया, ऐसे ही कर लिया। और हाँ, आप लोगों को तो बता मैंने कैसे मैं बैक वर्कआउट करता हूँ, सो ऐसे मैं बैक वर्कआउट करता हूँ घर पे, आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।